नमस्कार, मेरा नाम जय शर्मावत है। मैं एक वास्तु न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी और ग्राफोलॉजी कंसल्टेंट हूँ। हमारी कंपनी है स्पिरिचुअल माइस्ट्रो के नाम से, जिसमें हमारे पास सब मतलब बहुत ही अच्छे क्वालिटी के कंसल्टेंट्स हैं, जिनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है और जिनकी रिपोर्ट में बहुत सटीकता है। तो ये सारी एक टीम का नेटवर्क है, पूरा नेटवर्क पर काम होता है ये। आज का जो वीडियो है, बेसिकली ये किसी नंबर के बारे में या किसी और चीज़ के बारे में जानकारी देने के लिए नहीं है। आज का वीडियो का टॉपिक सिर्फ इसलिए है, ये है कि हम लोगों को जो कंसल्ट करते हैं, तो व्हाई शुड पीपल कंसल्ट अस, क्यों लोग हमारे पास आएँ और क्यों हमारे से कंसल्ट करें, ऐसा क्या है जो हम थोड़ा सा दूसरे लोगों से अलग देते हैं। यही सारी चीज़ें जानने के लिए आज का ये वीडियो बनाया गया है। इस वीडियो में हम डायरेक्टली आज चलेंगे रिपोर्ट पर कि ऐसा क्या है, ऐसी क्या है हमारे रिपोर्ट की खासियत जिसके कारण लोग हमारे पास आते हैं और लोग हमारे पास आने चाहिए। तो आज हम डायरेक्टली रिपोर्ट देखेंगे कि हम क्या देते हैं क्लाइंट्स को। ये हमारा कवर पेज है, फ्रंट पेज है रिपोर्ट का, जिसमें हमारा कंपनी का लोगो रहता है। उसके नीचे हमारी कंपनी की डिटेल्स रहती है, जहाँ पर हमारा एड्रेस होगा, हमारे आईडीज होंगे यूट्यूब के और फेसबुक के, हमारा ऑनलाइन स्टोर का जो लिंक है वो रहेगा, हमारा ईमेल आईडी है, फ़ोन नंबर है और नाम है। ये हो गया फर्स्ट पेज। नाउ कमिंग बैक टू द सेकेंड पेज, सेकेंड पेज से एक्चुअल रिपोर्ट स्टार्ट होती है। यहाँ पर हमारे पास एक क्लाइंट है, जिसको हमने एक डमी क्लाइंट लिया है, उसका नाम और उसका डेट ऑफ बर्थ दिया है। वहाँ पर हमने ये पता किया है कि वो मेल है या फीमेल है, वो भी यहाँ पर डाला है। उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ ली है पूरी, आज की तारीख में वो करंट प्लेस ऑफ लिविंग उनकी कहाँ है, कहाँ रहते हैं वो लिया है, और मैं कौन से सिस्टम को फॉलो करके ये रिपोर्ट बनाऊँगा वो मैंने नीचे लिखा है, ताकि क्लाइंट को समझ में आए अगर उनको जानकारी है तो कि भाई हमने कौन सा सिस्टम फॉलो किया है। तो हमने कैडियन सिस्टम फॉलो किया है। अब यहाँ पर जो भी डेट ऑफ बर्थ है, उस डेट ऑफ बर्थ के आधार पर हमने ये एक कुंडली बनाई है, इसे हम न्यूमरोस्कोप कहते हैं, जो न्यूमरोलॉजी में बनती है। एस्ट्रोलॉजी की जो पत्रिका बनती है, कुंडली बनती है, वही बेस आप समझ लीजिए कि उसी तरह से हम यहाँ पर ये बनाते हैं। यही कुंडली जो है, इसी के आधार पर सारी रिपोर्ट तैयार होती है। तो इसके बाद हम चलेंगे की नंबर्स की तरफ। अब हम सारे की नंबर्स देते हैं, ये बहुत ही एक छोटा सा रेडी रेकनर होता है किसी के लिए भी। उसमें उनका आता है कि उनका नाम नंबर क्या है, उनका जो नेम नंबर होता है वो है 2, उनका बर्थ नंबर है वो है 2, उनका फेट नंबर है जिसे हम लाइफ पाथ नंबर कहते हैं, लोग डेस्टिनी नंबर भी कहते हैं, वो है 4, नाम का जो कंपाउंड नंबर है वो है 11, उनका जो डिज़ायर नंबर है वो है 1, इंटीमेट नंबर है वो है 1, हेरिडिटी नंबर है जिसे हम फैमिली नंबर कहते हैं वो है 4, टोटल नंबर्स उनके जो लेटर्स में हैं, सॉरी उनके नाम में जो टोटल नंबर्स हैं वो कितने हैं, दैट इज़ 11। फिर उसमें कॉन्सोनेंट्स और वोवेल्स की संख्या कितनी है, तो कॉन्सोनेंट्स 7 हैं, वोवेल्स 4 हैं। उनका प्लेस नंबर क्या है, 1 है, जो हम देख रहे थे कि करंट प्लेस ऑफ लिविंग क्या है। लकी डेज जो है दिए हैं वो यहाँ पर लकी डेज दिए हैं, हम उनके लकी डेट्स देते हैं, कौन सी तारीख उनके हर महीने के लिए अच्छी होती है। लकी कलर्स देते हैं, कौन से कलर्स उनके लिए अच्छे हैं। लकी स्टोन्स देते हैं कि उनके लिए कौन से स्टोन्स अच्छे हैं, ये सारे यहाँ दिए हुए हैं। जैसे इनके लिए हमने दिए हैं पर्ल, मून स्टोन, जेड, पेल ग्रीन स्टोन्स। फिर उनका फेवरेबल नंबर्स क्या होता है, तो फेवरेबल नंबर्स देते हैं कि जो भी नंबर्स उनके फेवरेबल होंगे वो यहाँ पर दिए जाते हैं। अनफेवरेबल नंबर्स दिए जाते हैं, जो इनको अवॉइड करने चाहिए वो दिए जाते हैं। उसके बाद थर्ड पेज पे हम चलेंगे, तो अब इनकी डिटेल रिपोर्ट आती है। नेम एंड प्लेस कॉम्पैटिबिलिटी, इनका नाम इनको फेवर करता है या नहीं करता है, ये जहाँ पर रहते हैं आज की तारीख में वो जगह उनको फेवर करती है या नहीं करती है, ये यहाँ पर उनकी रिपोर्ट होती है। नेम कॉम्पैटिबिलिटी, प्लेस चेकिंग, दोनों चीज़ आती है। उसके बाद में आता है योर नेचर एंड पर्सनैलिटी, एक व्यक्ति का व्यक्तित्व क्या होता है, नेचर क्या होता है, उसकी पर्सनैलिटी क्या होती है, उसके नंबर से हमें पता पड़ती है। तो हम उसके बारे में ये पूरी डिटेल्स देते हैं कि वो कैसा है, क्या कर सकता है, क्या करना चाहिए, वो बात की बात है, बट वो क्या कर सकता है और अभी क्या करता है, उसका नेचर क्या होता है, उसकी आदतें क्या होती इसकी है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती है। उसके बाद आता है उनका मेरिट्स, योर मेरिट्स, कि आप अच्छा क्या करते हैं, आप में खासियत क्या है। और अगर आपको नहीं पता है लेकिन हम बताते हैं कि भाई आप ये हैं, तो आपको उस चीज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए कि अगर ये मेरे मेरिट्स हैं तो इसको मैं फुल पोटेंशियल पे बाहर लाकर और निखारूंगा इस चीज़ को, जिससे मुझे फ़ायदा होगा। उसके बाद आता है डीमेरिट्स, अगर कुछ अच्छाइयाँ हैं तो कुछ बुराइयाँ भी होगी,
तो उसके अंदर बुराइयाँ क्या हैं। बुराई का मतलब ये नहीं कि वो बहुत बुरा इंसान है, बट कुछ चीज़ें जो उनकी नेगेटिव हैं। नेगेटिव होने से क्या होता है कि उनको ये पता अगर पड़ जाता है कि ये चीज़ें मेरी नेगेटिव हैं, तो वो उस पर वर्क करेंगे, उस पर काम करेंगे और अपनी उस नेगेटिविटी को वो दूर हटाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आता है इम्पॉर्टेंट ईयर्स ऑफ योर लाइफ। आपकी लाइफ के कुछ इंपॉर्टेंट ईयर्स कौन से हैं और कौन से हो सकते हैं फ्यूचर में, वो सारी डिटेल्स इधर आती है। उसके बाद आएगा आपके लकी डेट्स, लकी डेज एंड मंथ। उसके बाद हम चलेंगे योर हेल्थ, हेल्थ वाइज आपका कैसा रहेगा, पूरा लाइफ जो है आपका कैसा रहेगा, वो सारी डिटेल्स इसके अंदर आती है। इसके अंदर आपको ये पता पड़ जाता है कि आपको शरीर के किस एंगल से, किस पार्ट से, किस तरीके से आपको तकलीफ होगी, कौन से महीने आपके लिए ख़राब होंगे, कौन से महीने आपके लिए अच्छे होंगे, कौन सी सब्जियाँ आपको खानी चाहिए, कौन से फ्रूट्स खाने चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको क्या अवॉइड करना चाहिए, सारी चीज़ें इसमें डिटेल में आएगी। उसके बाद आएगा योर लव एंड सेक्स लाइफ। एक इंसान की खुद की अपनी निजी ज़िंदगी भी होती है जिसे उसके ध्यान देना चाहिए, तो उसके नंबर से पता पड़ता है कि उसकी ये लाइफ कैसी रहेगी। उसके बाद आएगा योर प्रोफेशन एंड करियर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि इस व्यक्ति को कौन से प्रोफेशन में जाना चाहिए, कौन से प्रोफेशन इसके लिए फेवरेबल है, ये सारी डिटेल इसके अंदर आती है। आगे चलेंगे योर फॉर्चुनेट कलर एंड ज्वेल्स। तो बेसिकली ये हो गया है कि आपके लकी कलर्स कौन से हैं और लकी ज्वेल्स कौन से हैं, कौन से स्टोन्स आपको पहनना चाहिए। बट ये स्टोन्स पहनना है या जो भी करना है, जो भी रेमेडीज़ अपनानी है, वो आपको किसी को प्रॉपर कंसल्ट करके ही करना चाहिए, अपने मन से नहीं करना चाहिए कभी भी। ये एक है सक्सेस मंत्र एंड टिप्स। ये कुछ टिप्स हम देते हैं कि उस व्यक्ति को क्या चीज़ अवॉइड करनी चाहिए और क्या चीज़ एक्सेप्ट करनी चाहिए। उसके बाद एक ऑकल्ट एडवाइस देते हैं, जैसे हमने इनको दी है कि भाई आप ये 4 और 7 नंबर के लोगों से दूर रहिए जो उनके लिए ख़राब है। एक वाइट हैंडकरचीफ यूज़ कीजिए, कुछ वाइट कलर थिंग्स जो है चीज़ें वो डोनेट कीजिए, ये सारी चीज़ें हमने बताई है। उसके बाद आता है फेट नंबर। फेट नंबर की पूरी डिटेल्स आती है। फेट नंबर होता है हमारा डेस्टिन नंबर, उसके ऊपर हमारी पूरी लाइफ, फ्यूचर लाइफ टिकी हुई रहती है। तो ये नंबर के बारे में भी हमें जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आता है कंपाउंड नंबर्स ऑफ योर नेम। अब इनके कंपाउंड नंबर जो हैं वो 11 है। अब उसकी महत्व क्या होती है, वो सारी डिटेल इधर दी हुई है। उसके बाद आएगा योर नेम नंबर, जो बहुत ही अहम पार्ट होता है न्यूमरोलॉजी का, कि आपका नेम नंबर, आपके नेम नंबर की कैरेक्टरिस्टिक सही है। आपका जो नेम नंबर है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बोलती है, उसके अंदर आपके ट्रेड्स क्या क्या हैं, आपके कुछ पॉजिटिव ट्रेड्स या नेगेटिव ट्रेड्स हैं, वो सारी यहाँ पर दिखाई जाएगी। नेम आपका प्रॉपर है या नहीं है वो भी बताया जाएगा कि ये नेम आपका फेवरेबल है या नहीं है। उसके बाद आता है आपका डिज़ायर नंबर। डिज़ायर नंबर भी एक तरह का कैलकुलेशन होता है जिससे हमारी इंटरनल डिज़ायर्स निकल के आती है, वो भी सारी डिटेल्स इसके अंदर दी जाती है। और ये क्या होता है ये भी हम यहाँ लिख के देते हैं कि अगर आपको समझना है कि व्हाट इज़ द डिज़ायर नंबर, तो डिज़ायर नंबर क्या होता है। जैसे यहाँ हमने डाला है कि द डिज़ायर नंबर रिवील्स योर इनर डिज़ायर विच यू मे और मे नॉट कॉन्शियसली नो, तो ये सारी डिटेल्स हम लिख के देते हैं। उसके बाद आता है अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आपकी लाइफ का, अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट एक क्या है, डिज़ायर नंबर और इंटरवेट नंबर जो 2 नंबर होते हैं उसके रिगार्डिंग क्या होता है, वो सारा इधर देते हैं। उसके बाद आएगा आपका इंटीमेट नंबर। तो इंटीमेट नंबर रिवील्स द अनकॉन्शियस एस्पेक्ट्स ऑफ योर पर्सनैलिटी, इसे ऊपर कॉन्शियस था ये अनकॉन्शियस है, ये सारी डिटेल्स इसमें पता पड़ती है। योर कॉर्नर स्टोन, कॉर्नर स्टोन मतलब आपके नाम का जो पहला अक्षर होता है वो आपका कॉर्नर स्टोन होता है, वो होने से हमारे बेनिफिट्स क्या होते हैं, नुकसान क्या होते हैं, वो सारी डिटेल्स इसमें दी जाती है। फिर आगे चलेंगे तो स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस ऑफ आवर नंबर्स, आपकी जो कुंडली बनी है उसके स्ट्रेंथ्स क्या हैं और वीकनेस क्या क्या है, उसमें सारे प्लेन्स होते हैं, वो कैलकुलेटिव पार्ट है, बट आपको बताएंगे कि उसके एनालिसिस क्या है। जैसे इसमें एक मेंटल प्लेन होता है तो उसकी क्वालिटीज़ दी है, इमोशनल प्लेन होता है, लॉजिकल प्लेन की रीडिंग होती है, थॉट प्लेन की रीडिंग होती है, विल प्लेन की रीडिंग होती है, एक्शन प्लेन की रीडिंग होती है, ये सारे प्लेन्स होते हैं। इससे और डिटेल में आपको आपकी जानकारी मिलती है, हर एक एक फीचर्स मिलते हैं, हर एक एंगल से, हर एक पर्सपेक्टिव से आपको जानने को मिलता है। उसके बाद इसमें योग कितने हैं, 2 तरह के योग न्यूमरोलॉजी में गिने जाते हैं, एक राजयोग और एक प्रॉपर्टी का योग होता है, ये दोनों के बारे में डिटेल दी जाती है। फिर आपके उसमें कुंडली के अंदर आपकी जो ये न्यूमरोस्कोप बनी है उसमें आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कितने एलिमेंट्स की प्रेजेंस है, जैसे आप जानते हैं कि हमें सारे तत्वों की प्रेजेंस होनी चाहिए, तो ऐसे कितने एलिमेंट्स की आपके उसमें प्रेजेंस है और कितने नहीं है, तो यहाँ पर आता है प्रेजेंस ऑफ एलिमेंट्स, प्रेजेंस ऑफ वाटर एलिमेंट,
प्रेजेंस ऑफ अर्थ एलिमेंट, वुड एलिमेंट, मेटल एलिमेंट, फायर एलिमेंट है या नहीं है, वो सारी डिटेल्स यहाँ पर आती है, और उसका स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है वो भी डिटेल में इसमें दी जाती है। आगे चलेंगे तो हमारे नंबर्स कौन से रिपीटेटिव है। बहुत से नंबर्स ऐसे होते हैं जो एक से ज़्यादा बार रिपीट होते हैं, और बहुत से नंबर होते हैं जो मिसिंग होते हैं, जो होते ही नहीं हमारी कुंडली में। तो उसके इफेक्ट्स, उसके ड्रॉबैक्स और उसके एडवांटेजेस क्या क्या है। तो ये रिपीटेटिव नंबर्स जितने बार, जैसे एक तीन बार आएगा तो उसका मतलब क्या होता है, तीन दो बार आएगा तो उसका मतलब क्या होता है, ऐसे हम पूरी डिटेल्स आपको देते हैं। मिसिंग नंबर्स, आपके कौन कौन से नंबर मिसिंग है। जैसे इस व्यक्ति की जो हमने डमी कुंडली ली है, इसमें 5, 6 और 8 मिसिंग है, तो ये सारे नंबर्स मिस होने से क्या नुकसान हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें दी जाती है। और इसका एंड पार्ट आता है कि ये सारी डिटेल्स होने के बाद आपको रेमेडीज़ क्या अपनानी चाहिए। तो इसके अंदर हम रेमेडीज़ देते हैं, क्रिस्टल्स के ऊपर रेमेडीज़ देते हैं, दूसरी नॉर्मल रेमेडीज़ भी देते हैं वैदिक टाइप, कि आपको कौन से देवी देवता की पूजा करनी चाहिए, आपको क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए। और हम ये भी बताते हैं कि आपका न्यूमरोस्कोप देख के हमें ये पता पड़ता है कि आपके घर के वास्तु में कौन कौन से डिफेक्ट्स होने के चांसेस हैं। आप उसको भी किसी अच्छे वास्तु कंसल्टेंट को, या हमसे, जिसको भी आपको सूट करता है, आप उससे कंसल्ट करा के वो तकलीफें दूर कर सकते हैं। लास्ट में ये दिस इज़ द एंड ऑफ द रिपोर्ट, और एंड ऑफ द रिपोर्ट के अंदर यहाँ पर एक QR कोड आता है, जिसे आप स्कैन करेंगे तो आप डायरेक्टली हमारे लिंक पर चले जाएंगे, हमारी जो शॉपिंग लिंक है ऑनलाइन की, वहाँ पर चले जाएंगे। सो दिस वॉज द रिपोर्ट, किस तरह से हम रिपोर्ट देते हैं, ये पूरी जानकारी इसमें हम देते हैं। एक व्यक्ति अगर हमें कुछ पैसा देता है इस रिपोर्ट बनाने के लिए, कुछ फीस देता है, चार्ज करता है, हम लोग चार्ज करते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि उसको सारी चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करके दें। सो आई होप कि आपको बहुत अच्छे तरह से समझ में आया होगा, आपको ये पता पड़ा होगा कि अगर आप हमें फ़ीस दे के कोई क्वेश्चन करते हैं, कोई चीज़ कंसल्ट करना चाहते हैं, तो हम आपको उसके अगेंस्ट में क्या देते हैं। सो कभी भी अगर आपको कोई कंसल्टिंग की आवश्यकता हो, तो नीचे दिए गए नंबर, यहाँ पर भी नंबर्स दिए हैं, आप यहाँ पर भी नोट कर सकते हैं, ये नंबर्स दिए गए हैं और ये मेल आईडी दिया गया है, तो आप यहाँ से ले सकते हैं इसको, एंड देन यू कैन कॉन्टैक्ट अस इधर बाय व्हाट्सएप और बाय मेल, ये दोनों चीज़ें यहाँ दी गई हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी सो मच पेशेंटली, और मैं चाहता हूँ कि आप इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।